हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 26 एंड द डेट इज 3rd September 2020। योर क्लास इज 10th। यहाँ अपना नाम मेंशन करेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम आप मेंशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। पिछली वर्कशीट में, पिछली वीक में आपने पढ़ा था कि कैसे इसके ओनर मिसिस पंपरी ट्रिकी के ओनर इसको ओवर ईटिंग कराते हैं और उसके कारण वो काफ़ी बीमार हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी इज अ स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक दिखने में काफ़ी स्मॉल है डॉग और उसकी जो मिस्ट्रेस हैं मिसिस पंपरी, वो काफ़ी उसे प्यार करती है और उसको काफ़ी ज़्यादा खिलाती हैं। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट, हु नैरेट द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। इस ओवर ईटिंग के कारण जो ट्रिकी है वो काफ़ी बीमार पड़ जाता है और उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसिस पंपरी, वो वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट से बात करती हैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि डॉक्टर हैरियट हमें स्टोरी भी नैरेट करते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं कि कैसे उन्होंने उन डॉग का ट्रीटमेंट किया एंड हाउ डज द डॉग रिकवर, और कैसे डॉग ठीक हो गया। तो चलिए हम एक्सट्रैक्ट नंबर 2 में आ चुके हैं, उसे हम पढ़ते हैं। लेट स्टार्ट। मिसिस पंपरी लव्ड हर पेट डॉग ट्रिकी सो मच डेट शी यूजली ओवर फेड हिम। मिसिस पंपरी प्यार में उसे इतना प्यार करती हैं कि वो आमतौर पर उसे ज़्यादा खिलाती रहती हैं। शी ऑल्सो हैड बिन गिविंग हिम थिंग्स डेट ही शुडंट ईट ड्यू टू विच ट्रिकी हैड स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ प्लोटेड सोसेज। और वो ऐसी ऐसी चीज़ें उसे खिलाती हैं जो उसे खिलानी नहीं चाहिए, और उसके खिलाने से जो ट्रिकी है वो एक ब्लोटेड सोसेज मीन्स एक फुले हुए मीट की तरह दिखना स्टार्ट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक्सट्रैक्ट। आई ट्राई टू साउंड सेवरी नाउ रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम सम एक्सरसाइजेज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। मिस्टर हैरियट कहते हैं, आई ट्राई टू साउंड सेवरी नाउ रियली मीन दिस। वो मिसिस पंपरी पर काफ़ी सीरियस तरीके से उसे बोलते हैं कि मैं अब काफ़ी सीरियस हूँ कि आपको इसका जो ट्रिकी का है फूड कट डाउन करना पड़ेगा और इसको एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, नहीं तो ये जल्दी ही बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना जो दिल है वो काफ़ी कठोर करना पड़ेगा और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। मिसिस पंपरी रंग हर हैंड्स। मिसिस पंपरी ने अपने हाथ हिलाते हुए बोलते हैं, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, मैं ज़रूर ये काम करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। और मिसिस पंपरी ये बोलते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है उसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना। सी सेट ऑफ, वो वहाँ से चल देती है हेड डाउन, नीचे सिर कर अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइन इन टू प्रैक्टिस। और वहाँ से वो जो रोड से जहाँ पर डॉक्टर हैरियट और मिसिस पंपरी की मीटिंग होती है वहाँ से वो चल देती है और ऐसे सिर नीचे करके चलती है कि वो डिटरमाइंड, बिल्कुल उसने सोच लिया है कि अब उसको एक न्यू रिजाइन, एक न्यू डाइट पर विद एक्सरसाइज उसको रखना है। किसको? ट्रिकी को। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पंपरी। और यहाँ पर हैरियट बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जल्द ही पंपरी मुझे कॉल करेंगे और बताएंगे कि जो ट्रिकी है वो काफ़ी बीमार हो चुका है। द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज। और जो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो कॉल, वो जल्द ही कुछ दिनों में आ गया। मिसिस पंपरी वार डिस्ट्रॉट। मिसिस पंपरी डिस्ट्रॉट मीन काफ़ी सैड थे, काफ़ी दुखी थे। ट्रिकी वुड ईटिंग नथिंग। ट्रिकी ने सब कुछ खाना बंद कर दिया था। रिफ्यूज्ड इवन इफ हिज फेवरेट डिशेज। उसने अपनी जो फेवरेट डिशेज हैं, जो मीठा केक्स वगैरह वो खाता था, वो भी मना कर दिया। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। बाउट्स मीन शॉर्ट स्पेल्स, थोड़े टाइम के बाद उस वो उल्टी भी कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। वह अपना सारा टाइम एक रग, एक मैट के ऊपर, एक कपड़े के ऊपर लेटते हुए काटता था और पेंटिंग वो हाफ रहा था। काफ़ी उसको शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस हो रही थी, उसको सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवाइस। और हैरियट बोलते हैं, डॉक्टर हैरियट, कि मैंने एडवांस में ही पहले से ही प्लान बना रखे थे कि उसको कैसे ठीक करना है। आई सजेस्टेड डेट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब वो बोलते हैं कि मैंने
मिसिस पंपरी को सजेस्ट किया कि उसे ट्रिकी को फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज के लिए उसे हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन एक डॉक्टर के निगरानी में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, सून का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली इमोशंस के साथ, जब आपको चक्कर वगैरह फेंट आ जाएं, चक्कर आ जाएं। अब जो यह बात सुनकर जो पुअर लेडी यहाँ पर मिसिस पंपरी को दिखाया, क्योंकि वो काफ़ी उससे प्यार करती थी और वो काफ़ी ये बात सुनकर कि उसको 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, वो उसको चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन इस टाइम में काफ़ी फर्म लाइन मीन्स निर्धारित, डिटरमाइंड था, निश्चित था कि मुझे इसको ट्रिकी को यहाँ से हॉस्पिटल में लेके जाना है। ट्रिकी वॉज वेरी, ट्रिकी को काफ़ी बीमार हो गया था, एंड दिस वे द ओनली वे टू सेव हिम, और ये आखिरी उसके पास डॉक्टर हैरियट के पास एक तरीका था कि उसको हम बचा सके। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और डॉक्टर हैरियट बोलते हैं कि मेरे हिसाब से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती एडमिट करवा देना चाहिए। आई मार्च्ड आउट टू कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और वो उनके घर पर जाते हैं, घर पर ही वो सारी चीज़ें बता रहे थे अभी तक, और वो डॉग को एक ब्लैंकेट में लपेट कर अपनी कार की तरफ जाते हैं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैं जैसे ही गाड़ी को चलाता हूँ, एज आई मूव्ड ऑफ, और मैं वहाँ से चलता हूँ, मिसिस पंपरी विद डिस्पेयरिंग क्राई, वो डिस्पेयरिंग काफ़ी दुख से काफ़ी चिल्लाकर वो रोते हैं, एंड थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और एक पूरा हाथ में भरकर जो कोट्स उसके काफ़ी कोट्स से ट्रिकी गए वो गाड़ी में फेंक देते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और जैसे मैं मिरर में देखता हूँ, जैसे मैं कॉर्नर से ड्राइव करता हूँ, दूसरा कट लेता हूँ, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब भी दुखी थे क्योंकि सब ट्रिकी से सेपरेट हो रहे थे और वो ट्रिकी से काफ़ी प्यार करते थे। आउट ऑन द रोड, रोड पर आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, रोड की तरफ आई ग्लांस डाउन मतलब मैंने नीचे देखा, पैथेटिक लिटिल एनिमल, यहाँ पर वो ट्रिकी को बोल रहे हैं कि काफ़ी वो दयनीय, पैथेटिक मीन्स दयनीय, उस पर काफ़ी दया आ रही थी क्योंकि वो गैस्पिंग काफ़ी, वो इतना बीमार हो चुका था कि वो सांस भी लेना उसे मुश्किल हो रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके पैटेड माने थपथपाना, मैंने ट्रिकी का हेड थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने एफर्ट लगा के अपनी पूछ को हिलाया और उसके जो अफेक्शन था, उसके प्यार को डॉक्टर हैरियट को उसने अपनाया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, हैरियट कहते हैं पुअर ओल्ड लैड, उसे बेचारा एक लड़के की तरह संबोधित करते हैं। यू हैवंट अ किक इन यू, यू हैवंट अ किक इन मीन्स उसके अंदर कोई जान नहीं थी, वो लिस्टलेस था, विदाउट एनर्जी था, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर हर, लेकिन डॉक्टर को पता था कि मैं उसके लिए एक इलाज जानता हूँ, और इलाज क्या था, ही शुड बी पुट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, उसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना था। अब हम जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सिवरे, जो स्पीकर हैं वो काफ़ी सीरियस साउंड क्यों करते हैं। यहाँ पर आंसर लिखा है मैंने द स्पीकर ट्राई टू साउंड सिवरी टू मेक मिसिस पंपरी टेक हिज एडवाइस सीरियसली एंड एक्ट ऑन इट, वो इतना गंभीर रूप से इसलिए बात करते हैं क्योंकि वह मिसिस पंपरी को एडवाइस इसलिए देना चाहते हैं कि मिसिस पंपरी एडवाइस सीरियसली लें और उस पर एक्ट करें, उस पर अमल करें। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फॉर होम वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई, किसके लिए और वो क्यों एडवाइस दी जा रही थी। आंसर यहाँ पर लिखा मैंने द एडवाइस वॉज गिवन टू मिसिस पंपरी फॉर ट्रिकी, एडवाइस पंपरी मिसिस पंपरी को दी थी ट्रिकी के लिए, बिकॉज क्योंकि ही हैड बिकम ओबेस एंड लिस्टलेस, क्योंकि जो मिसिस जो ट्रिकी है वो काफ़ी मोटा और लैक ऑफ एनर्जी थी उसमें, ऐसा वो हो चुका, ही वॉज अनवेल एंड द स्पीकर वॉन्टेड हिम टू बी पुट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, जो ट्रिकी था वो काफ़ी अनवेल बीमार था और स्पीकर मिसेज मतलब डॉक्टर हैरियट चाहते थे कि उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा जाए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद होम, जो स्पीकर मीन्स डॉक्टर हैरियट कहाँ जा रहे थे और किसके साथ। द स्पीकर वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल विद ट्रिकी, स्पीकर हॉस्पिटल जा रहे थे ट्रिकी के साथ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर, सब की आंखों में आंसू, सब निराश क्यों थे। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स बिकॉज ट्रिकी वॉज गोइंग विद द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल फॉर फोर्टनाइट, क्योंकि सबको पता था कि जो ट्रिकी है वो डॉक्टर के साथ 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में जा रहा है फॉर हिज ट्रीटमेंट, अपने इलाज के लिए, एंड हिज सेपरेशन मेड एवरीबडी कराई,
और जो उसकी जुदाई थी वो सबको रुला रही थी, सबको आंखों में आंसू दिला रही थी। फिफ्थ देखते हैं, टू हुम एंड व्हाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लैड, किसको और स्पीकर ने कहा, डॉक्टर हैरियट ने कहा पुअर ओल्ड लैड। द स्पीकर एड्रेस इज ट्रिकी एज ए पुअर ओल्ड लैड बिकॉज ही इज अनवेल। स्पीकर ने ट्रिकी को संबोधित किया पुअर ओल्ड लैड क्योंकि वह काफ़ी बीमार था। वट क्योर डिड द स्पीकर नो, कौन सा क्योर, जो कौन सा इलाज स्पीकर को पता था। द स्पीकर न्यू डेट द क्योर फॉर ट्रिकी इज इलनेस इज टू पुट हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, उनको पता था कि इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर विद एक्सरसाइजेस कर रख देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम, सेम मीनिंग्स हमें ढूंढने हैं। सीरियस, सीरियस माने गंभीर, स्ट्रिक्ट माने सख्त होता है और सीवर माने गंभीर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीवर, जो पैराग्राफ टू में भी आप पढ़ सकते हैं। प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, एक प्रिस्क्राइब्ड एक बताया गया एक कोर्स जिसमें एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं और डाइट बताई जाती हैं, तो डिसिप्लिन तो एक डिसिप्लिन अनुशासन रिजाइम होता है प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, पैराग्राफ थ्री में इसका यूज़ किया गया है। फेंटेड, फेंटेड माने चक्कर आ जाना, चक्कर जैसा महसूस होना, स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन, जब आदमी ज़्यादा भावुक हो जाता है, तो इसको लिस्टलेस का मतलब आपको पता है एनर्जी जिसमें नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा सून। डी है एक्सट्रीमली वरिड, काफ़ी चिंतित, तो डिटरमाइंड तो निर्धारित करना या निश्चित होना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रोट, जो पैराग्राफ चार में इसको यूज़ कर रखा है डिस्ट्रोट को। अ पीरियड ऑफ टू वीक्स, दो हफ्तों, दो सप्ताह का टाइम, तो फोर्ट नाइट दो सप्ताह का टाइम बोलते हैं, मंथ तो आपको पता 30 डेज होते हैं। एंड द एट्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द अपोजिट और एंटोनियम ऑफ, अपोजिट और एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट, विलोमार्थी शब्द हमें बताते हैं। हार्डन्ड का मतलब होता है सख्त और टफ का मतलब भी सख्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टन्ड, इसका अपोजिट एंटोनियम हो जाएगा। चीयरफुल खुश, और मेरी माने भी खुश, हसमुख होता है, तो डिस्पेयरिंग निराश होता है, तो इसका आंसर डिस्पेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको इस वर्कशीट काफ़ी हेल्प मिलेगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वर्कशीट एंड द दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले आपको मिल सके। एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको एक कैसा चैप्टर लगा। जय हिंद, जय भारत।